वेलकम टू मयंक मैथनेनिया यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9th मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम बालाजी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए प्लॉट है ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हैज डायमेंशन 240 मीटर एंड 180 मीटर। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, ये यहाँ से समझिएगा, ये नाला बना हुआ है, ये बाद में की बात है, अभी समझिएगा। एक ये प्लॉट है जो 240 मीटर लंबा है और 180 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ए ड्रेन लेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट। इसके चारों 10 मीटर का एक नाला खोदा गया है, ठीक है। एंड द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट। अच्छा, ये मिट्टी पूरी खोदने के बाद पूरा का पूरा इस सरफेस में फैला दिया जाता है। ऐसा करने पे 25 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिएगा, ये सब मीटर में दिया है लेकिन जो लेवल उठता है बेटा वो 25 सेंटीमीटर उठ जाता है इस प्लॉट पे, ठीक। इसीलिए मैंने क्या किया है, मिट्टी खोदने के बाद प्लॉट का वॉल्यूम आप समझिएगा, लंबाई चौड़ाई तो आपके सामने दिया हुआ है एल इंटू बी, ठीक है। इसी पे मिट्टी तो डाल रहे हो, मिट्टी डालने में 25 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ रही, तो 25 सेंटीमीटर बढ़ रही, 25 बटे 100 बना के मीटर ना कर लें, ठीक है। अब ये क्या है, मिट्टी खोदने के बाद प्लाट का आयतन, ठीक। अब समझिएगा, यहाँ पर हमसे कह रहा है ये जो नाला है खोदा गया इसकी गहराई कितनी है, कितनी गहराई तक खोदा गया है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो, लेंथ 240 मीटर, ब्रीथ 180 मीटर, ठीक है। ये देख रहे हैं नाला खोदा गया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चौड़ाई का खोदा गया है, गहराई हमें पता करना है। तो जब 10 मीटर चौड़ाई का नाला खोदा गया होगा चाहे जितनी गहराई तक, ठीक है, वो सब बेटा कहाँ ला के डाल इस पे रख दिया जाता है, ठीक है, इस पे डाल दिया जाती है पूरी मिट्टी। इससे इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए 25 बटे 100 कर रहे हैं। मिट्टी खोदने के बाद ये जो प्लॉट है इसका जो आयतन बढ़ेगा वो इतना होगा, ठीक है। अब बेटा ये मिट्टी खोदी गई है तो ये जो आयतन निकला है ना वो इन नालियों की मिट्टी खोदने के आयतन के बराबर होगा। तो आप समझिएगा यहाँ आयतन कौन कौन से निकालने होंगे, तो समझिए पहले इस साइड का नाला और इस साइड का नाला, ये दोनों सेम है ना लेंथ में, ब्रीथ में और हाइट में। तो हम क्या करेंगे, एक नाले का जो इस साइड जो लेंथ की नाला है उसका हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे, उसी को हम दो से गुणा करेंगे तो ये दोनों का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। आइए चलिए इसको हम फिगर से दिखाते हैं। जैसे हम नाले का ही वॉल्यूम अब निकालने चल रहे हैं, ये आपका नाला है, ठीक है, गहराई हमें पता है नहीं पता है, ठीक। अब आप क्या करोगे, जैसे ये आप क्या कर लिए हो, ये नाला का वो दिखा रहे हो, ठीक है, ये हमने नाला दिखाया। नाले की विशेषता क्या है, लेंथ नाले की अब क्या है, केवल इस साइड लेंथ वाले में, तो आप कहोगे 240 मीटर पहले थी, 10 मीटर इधर बढ़ी, 10 मीटर इधर, तो अब बेटा 250, 260 यानी 260 मीटर इसकी क्या हो गई है, लेंथ हो गई है, ठीक है। हम इस साइड नाले की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। फिर 260 मीटर अगर ये वाली लेंथ हो गई है, इसकी ब्रीथ देखो ध्यान से, तो ब्रीथ बेटा 10 ही मीटर तो बड़ी है ना, 10 मीटर चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, 10 मीटर इसकी क्या है, ब्रीथ है, ठीक है। गहराई हमें पता करना है तो गहराई को हम एच कर ले रहे हैं। तो आप देखिएगा ये एक साइड नाले का ये इतने का वॉल्यूम है, देख रहे हो इतने भाग का वॉल्यूम है, और सेम लंबाई चौड़ाई और गहराई इस साइड भी होगी, ठीक है, इस साइड होगी कि नहीं होगी, तो इस साइड होगी, तो इसीलिए मैं इसको टू टाइम जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम दो से गुणा कर देंगे तो ये पूरा लेंथ निकलेगा। लेकिन अभी इस साइड की गहराई का हमें नहीं पता है, तो हम उसके लिए जरा इस तरह फिगर बना रहे हैं, टू इन टू, क्योंकि इधर भी जितनी लेंथ मतलब जितनी चौड़ाई लंबाई और गहराई होगी उतना ही इस भाग में भी होगा, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। तो आप फिर मैं इसको बना रहा हूँ, इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये आपकी नाली बनी है जो चौड़ाई के आधार पर बनी हुई है। तो आप कहोगे इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो तो 10 ही है, लंबाई क्या है बेटा, लंबाई देख लेना, ये मत कर देना 180 है तो 10 उधर बढ़ा 10 उधर, वो तो 10 आप पहले से ले लिए ना, तो ये 180 थी, 180 ही रहेगी, ठीक है। यानी इसकी जो लंबाई जो काम कर रहा है वो 180 ही का काम कर रहा है, ठीक है। और गहराई हमें पता करना है तो गहराई हम अभी भी एच मान रहे हैं, ठीक है। तो जरा इसका वॉल्यूम निकालें, यहाँ लिखोगे
वॉल्यूम वन, इसका नाम वॉल्यूम वन दे दे रहे हैं, या आयतन एक। तो आयतन एक में दो से मैंने क्यों गुणा किया, क्योंकि आप जान रहे जितनी लंबाई चौड़ाई इधर है उतनी ही लंबाई चौड़ाई इस नाले की भी है, तो दो गुणे। अब यहाँ पर लेंथ कितना है बेटा, 260 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, हाइट यानी गहराई क्या है h है, ठीक है। तो यहाँ से जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2600, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में h, ठीक है। आ जाओ जरा इसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम 2, इसको क्या कहते हैं वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 बेटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 180 इंटू 10 इंटू h, ठीक है। तो करोगे 18 180 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1800 h और इंटू में 2, ठीक है। आप ध्यान रखना मिट्टी तो इन्हीं में से खोदी गई है ना, यही मिट्टी तो ऊपर जाके रखी गई है, तो ये वाला इसको इक्वेशन 2 कर लो, इसको इक्वेशन 3 कर लो, इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ लो, किसके बराबर करोगे, इसी के बराबर, क्यों, क्योंकि यही गहराई की मिट्टी खोद के इसी में रखी गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, ये जो वॉल्यूम आया है पहला वाला, ठीक है, ये जो मिट्टी सतह पे उठी है वो वॉल्यूम, ठीक है, किसके इक्वल है बेटा, ये मिट्टी तब उठी है ना जब इन सबको खोदा गया है, खोदने पे क्या क्या किया गया था, तो आप कहोगे 2600 इंटू एच, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1800 इंटू एच, और मैं देख रहा हूँ दोनों में दो है तो मैंने दो कॉमन के रूप में निकाल लिया, ठीक है, यहाँ तक समझे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से ये जीरो से, देखो ये 100 था ना बेटा, ये जीरो, ये दोनों जीरो से, ये दोनों कट गए, ठीक है। आप देखोगे 24 इंटू 18, इनको मल्टीप्लीकेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नहीं तो उसमें समय आप लोग खराब करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज और भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, एच था, तो 2h मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, एच यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, ठीक। अब आप देखोगे नंबर्स में इनको ऐड करोगे तो 26 8 34 10 44, ठीक है, 4400 गुणे 2 इंटू एच। तो अब आप देखोगे कुछ कट रहा है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल कट रहा है, जैसे 4400 है ना, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 4400 क्या लिख सकते हैं, 44 गुणे 100, है ना, आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन, तो 25 से कम, 25 चौक, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से 4 1 4 6 हो जाएगा, आप देखोगे 6 इंटू 18, ठीक है, 6 इंटू 18 इक्वल टू 44 इंटू 2, ठीक है, इंटू में यच। तो अब देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या मान, 2 1 2 3 18 3 बेटा कितना हो जाएगा, 54, यहाँ पे 44 नीचे आएगा, डिवाइड करोगे तो इसका जो मान आएगा बेटा 1.227, आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसका जो मान आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1.227 मीटर आएगा, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इससे ये क्वेश्चन नंबर बेटा बालाजी का 19 था, अब मुझे लगा 16 17 18 आसान क्वेश्चन है इसलिए उसे मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 16 17 और 18 डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्हें समझने में दिक्कत होती है, वो ध्यान दे तो 100% समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।